नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन और डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के हम आपको प्रीवियस के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। और इस चैप्टर में मैं आपको 52 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। आज की इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 53। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित आज की क्लास में मैं आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसलिए जो कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको ध्यान से समझना, वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलवे की सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। यह आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है पशु हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 18/9/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अगर नहीं पता है तो बोर्ड पर देखिए। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। देखो कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र, इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है और जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सभी की सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो हम उन ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है और उन ग्रंथियों को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 9 होती है, जिनमें से एक ग्रंथि है जिसका नाम है गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड्स ग्लैंड लैंगिक जनन ग्रंथि, हिंदी में कहा जाता है इस ग्रंथि को लैंगिक जनन ग्रंथि। नाम से स्पष्ट हो रहा है वह ग्रंथि जो जनन में सहायक होती है, ऐसी ग्रंथि को लैंगिक जनन ग्रंथि कहा जाता है, गोनेड्स ग्लैंड कहा जाता है। इसकी लोकेशन के बारे में आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रहे जो मैं बोल रहा हूं एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना और बोर्ड की तरफ ध्यान से देखना। भैया मैंने कहा कि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है गोनेड्स ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथि। नाम से स्पष्ट है वह ग्रंथि जो जनन में सहायक होती है, इसी ग्रंथि को कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथि, गोनेड्स ग्लैंड। इसकी लोकेशन आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भैया गोनेड्स ग्लैंड इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि हमारे शरीर में किस जगह पर उपस्थित होती है। तो ये होती है भैया बिलो इंटेस्टाइन। बिलो इंटेस्टाइन का मतलब क्या है? बिलो इंटेस्टाइन का मतलब है आंतों के नीचे, आपकी जो आंत होती है उन आंतों के नीचे ये भैया गोनेड्स ग्लैंड उपस्थित होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविकता में ये कहाँ उपस्थित होती है। देखिए जो गोनेड्स ग्लैंड होती है ये 2 प्रकार की होती है, कहने का मतलब ये पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है।
तो गोनेट्स ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि मेल में अलग होगी और फीमेल में अलग होगी। जो मेल में होगी उसे कहा गया है मेल गोनेट्स ग्लैंड, और जो फीमेल में होती है उसे कहा गया है फीमेल गोनेट्स ग्लैंड। ध्यान से समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। मेल गोनेट्स ग्लैंड को कहा जाता है नर जनन ग्रंथि या नर लैंगिक जनन ग्रंथि, नर लैंगिक जनन ग्रंथि, वह ग्रंथि जो नर के जनन में सहायक होती है, वो होती है नर लैंगिक जनन ग्रंथि। इधर फीमेल गोनेट्स ग्लैंड ये होती है भैया मादा लैंगिक जनन ग्रंथि, वह ग्रंथि जो मादा के जनन में सहायक होती है वह होती है मादा लैंगिक जनन ग्रंथि। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना है आपको। मैंने आपसे अब तक यह कहा है कि गोनेट्स ग्लैंड है यानी कि जो लैंगिक जनन ग्रंथि है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है मेल गोनेट्स ग्लैंड यानी कि नर लैंगिक जनन ग्रंथि, दूसरी होती है फीमेल गोनेट्स ग्लैंड यानी कि मादा लैंगिक जनन ग्रंथि। अब बात आती है नर लैंगिक जनन ग्रंथि कौन सी है, तो उसका नाम है भैया टेस्टिस। उसका नाम क्या है? टेस्टिस है, वर्षण है। और ये जो टेस्टिस होता है ये एक जोड़ी होता है, यानी कि ये जोड़े में उपस्थित होता है, यानी कि संख्या दो होगी। एक पेयर का मतलब क्या है? यानी कि संख्या में वो दो होंगे। मादा गोनेट्स, मादा लैंगिक जनन ग्रंथि यानी कि फीमेल गोनेट्स ग्लैंड क्या है? तो भैया वो है ओवरी। ओवरी का मतलब क्या है? ओवरी का मतलब है भैया अंडाशय। और अंडाशय भी एक जोड़ी होता है भैया। कितने जोड़ी होता है? ये भी एक जोड़ी होता है, यानी कि ये भी एक पेयर में होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये ग्रंथियां है भैया टेस्टिस और ओवरी, यानी कि वर्षण और अंडाशय ग्रंथि है, जिन्हें आप गोनेट्स ग्लैंड कहते हैं, लैंगिक जनन ग्रंथि कहते हैं। ये नर में होगी गोनेट्स ग्लैंड, उसे कहा गया है टेस्टिस, और जो फीमेल में होगी यानी कि मादा में होगी उसे कहा गया है ओवरी। अब ये जो टेस्टिस और जो ओवरी है ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि गोनेट्स जो ग्लैंड है वो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका मतलब यह है कि यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है भैया, यानी कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब यह हार्मोन का सिक्रेशन करती है, तो यह कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है इस बात का आपको ध्यान अच्छे से होना जरूरी है, क्योंकि यहां से जो हार्मोन निकलते हैं वो भैया इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है भैया। 10% संभावना रहती है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखिए ये जो टेस्टिस होता है इससे कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, यानी कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, तो उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। उस हार्मोन का नाम क्या है भैया? तो उस हार्मोन का नाम है भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसे नर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, नर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है भैया? तो इसे नर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे नर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसे भैया? इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। दूसरी तरफ देखते हैं भैया हम फीमेल गोनेट्स ग्लैंड में, यानी कि मादा लैंगिक जनन ग्रंथियों में एक हार्मोन है, सॉरी एक ग्रंथि है ओवरी अंडाशय, इससे दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, दो हार्मोन का स्राव होता है। वो दोनों हार्मोन कौन कौन से हैं? तो पहला हार्मोन होता है भैया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा हार्मोन होता है भैया प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन।
अब जैसे कि मैंने इधर कहा कि इस हार्मोन को नर हार्मोन कहा जाता है, तो भैया ओवरी से तो ये दो हार्मोनों का सिक्रेशन हो रहा है, एक हो रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन का, दूसरा हो रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो इधर मादा हार्मोन कौन सा होगा, क्या एस्ट्रोजन हार्मोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपको बता दूं बेटा, यहां पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मादा हार्मोन होगा। अब क्यों होगा, इन सब का अभी रीजन देता हूं मैं। क्या कहा जाता है इसे, मादा हार्मोन कहा जाता है। अब एक एक हार्मोन का कार्य आपको पता होना जरूरी है। अब तक आपने जो पिछले 7-8 मिनट में जो पढ़ा है, अब तक आपने पिछले जो 7-8-10 मिनट में जो पढ़ा है, अगर आपको उतना समझ में आ गया है तो समझ लीजिए कि आपका 60% काम कंप्लीट हो चुका है भैया। अब बचा 40% काम, जिसमें आपको यह पढ़ना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आगे बढ़ने से पहले कि नर हार्मोन कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मादा हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी बताता हूं, ये हार्मोन महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय निकलता है, इसलिए इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, गर्भाधारण हार्मोन कहा जाता है। तो ये चीज भी आप लिख लीजिए इधर, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन, कि यह हार्मोन प्रेगनेंसी के समय निकलता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन या फिर आप कह सकते हो गर्भाधारण हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्भाधारण हार्मोन कहा जाता है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? तो तीन क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीन क्वेश्चन। नर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भाधारण हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे निकलता है, तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो स्राव होता है, वो टेस्टिस से होता है, वर्षण से होता है। और जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इन दोनों का सिक्रेशन ओवरी से होता है, यानी कि अंडाशय से होता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और भैया एस्ट्रोजन हार्मोन। आइए इनका मैं कार्य आपको पढ़ाता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है भैया, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके मैं मिटा देता हूं। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है भैया, या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है। इस चीज में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ऐसे कैसे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम नर हार्मोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नर हार्मोन का काम क्या है। भाई नर हार्मोन का काम क्या है, देखिए नर हार्मोन, अब नर हार्मोन कौन सा है, तो नर हार्मोन है भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसे नर हार्मोन कहा जाता है। और ये किससे निकलता है, ये टेस्टिस से निकलता है भैया। टेस्टिस का मतलब ये वर्षण से निकलता है, और टेस्टिस एक जोड़ी होते हैं, वर्षण एक जोड़ी होते हैं भैया। इससे कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो भैया जो नर होता है, उस नर के जो प्रजनन अंग होते हैं, उन प्रजनन अंग की ग्रोथ करवाता है भैया। उस प्रजनन अंगों की ये क्या करवाता है, ये ग्रोथ करवाता है, ये इसका मुख्य कार्य है। उसके अलावा यह हार्मोन किशोर अवस्था के समय निकलता है, किस समय निकलता है, यह लड़कों में, यह लड़कों में किशोर अवस्था के समय निकलता है। कब निकलता है भैया, किशोर अवस्था के समय, किशोर अवस्था के समय यह हार्मोन निकलता है। और इसका पहला काम क्या हो गया कि नर के जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है। उसके अलावा
लड़कों में किशोर अवस्था के समय जो परिवर्तन दिखाई देता है वो इसी हार्मोन के कारण आपको दिखाई देता है। किस हार्मोन के कारण? इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अब आप मुझे ये बताइए, जब लड़कों की किशोर अवस्था आती है, जब लड़के की किशोर अवस्था आती है, तो उस समय उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? सबसे पहले जो मुख्य कारण है वो है कि आवाज का भारी होना। उसके अलावा दाढ़ी मूछ का आना। तीसरा, बाइसेप्स व ट्राइसेप्स का बनना। ये भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। यानी कि किशोरावस्था के समय जो परिवर्तन आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है लड़कों में, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। यह आपके जो प्रजनन अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनके ग्रोथ कराने में सहायक होता है कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन सा हार्मोन होगा? इसका राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। गाइज, आपने पिछले 15 मिनट में जो पढ़ा है उससे कॉन्सेप्ट से आपका आंसर बहुत अच्छे से आ चुका है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है उतना याद कर लीजिए, उतना आप पढ़ लीजिए। फिर एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, यानी कि इस कॉन्सेप्ट से किसी भी तरीके से, किसी भी लैंग्वेज में इसे तोड़ मरोड़ कर कैसे भी क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। और अभी आपके सामने ऐसा होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन हो रहा है जो आपसे अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों पर भी हम चर्चा करेंगे। जो मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसी कॉन्सेप्ट से आप उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। और भैया, अगर आपको इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जानना है, डिटेल में पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है कि हमारे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो भैया आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भैया ये चैप्टर मैंने आपको 2-3 बार करवा दिया है भैया इस यूट्यूब चैनल पर, शायद 2 बार तो करवा ही दिया है। एक बार तो मैंने इसकी मैराथन क्लास ली थी जो लगभग 4 घंटे और 12 मिनट की थी। उसके अलावा मैंने एक एक पार्ट में एक एक ग्रंथियों के बारे में भी ये चैप्टर पूरा करवा रखा है। 2 तरीके से चैप्टर करवा रखा है। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए, आपको ये चैप्टर आसानी से मिल जाएगा भैया। और जैसे ही आप यूट्यूब चैनल को खोलते हो तो आपकी इसकी मैराथन क्लास तो ऊपर ऊपर दिख जाएगी। तो भैया अगर आपने चैनल को नहीं पढ़ा है, सॉरी चैनल को नहीं, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, फायदेमंद है। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा भैया। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ही आप इजी तरीके से, इजी वे में कर सकते हो। बोलो, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें अभी तक तो एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में और जानना है। तो आइए उस हार्मोन के बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके। अगर आप एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में और जान लेते हो तो फिर आपका ये मान लीजिए कि भैया ये 100% आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहां से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। भैया देखिए भैया, तो एस्ट्रोजन हार्मोन को हमने मादा हार्मोन कहा था। क्या कहा था भैया? मादा हार्मोन। और मादा हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। और ये कहां से निकलता है? कहां से स्राव होता है? ये तो ये होता है ओवरी से, यानी कि अंडाशय से, जो कि ये गोनेड्स ग्लैंड है। और ये महिलाओं में होती है, ये वन पेयर होती है, यानी कि जोड़े में होती है, एक जोड़ी होती है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब बात आती है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन करता है क्या है, इसे मादा हार्मोन क्यों कहा गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये लड़कियों में किशोर अवस्था के समय निकलता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि ये मादा में, यानी कि फीमेल में, यानी कि ये लड़कियों में
जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी ये ग्रोथ करवाता है भैया, उनकी ये ग्रोथ करवाता है, ये मादा के जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है भैया, मादा के जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है भैया। कौन सा हार्मोन? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन, इसलिए इसे मादा हार्मोन कहा गया है। कब निकलता है ये? तो किशोर अवस्था के समय निकलता है भैया, और किशोर अवस्था के समय आपको जो लड़कियों में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो इसी हार्मोन के कारण दिखाई देते हैं, इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन, सॉरी, किशोर अवस्था के समय कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं आपको वो बताइए। तो पहला परिवर्तन ये देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म चक्कर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लड़कियों में किशोर अवस्था स्टार्ट होती है तो मासिक धर्म चक्कर का स्टार्ट होना, मासिक धर्म चक्कर का स्टार्ट होना ये पहला परिवर्तन आपको दिखाई देता है। उसके बाद में दूसरा, आवाज का पतली होना, आवाज पतली होना। जनन अंगों जैसी जगह पर बालों का आना, ये आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं भैया लड़कियों में किशोर अवस्था के समय। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बोलो, अगर आपको इतनी सारी चीजें याद हो गई है तो आने वाले जो दो तीन क्वेश्चन है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भैया। चलिए उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। आशा करता हूं 20 मिनट में आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उन क्वेश्चनों का आंसर भी आप अच्छे से दे पाओगे। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए भैया, अब मैं करवाता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चले भैया क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 54। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट में देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और मैंने आपको जरूर बताया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। मैंने आपसे कहा था कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसे मादा हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन ही कह रहा है भाई, और ये क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 12/12/2018 को। आपके पास दो दो हिंट है। पहला हिंट तो आपको ये पता होना जरूरी है कि मादा हार्मोन किससे स्रावित होता है, और अगर मादा हार्मोन के बारे में नहीं पता है तो एस्ट्रोजन लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, जिसे आप मादा हार्मोन कहते हो। तो इस क्वेश्चन में दो दो हिंट छुपी हुई है भैया इस क्वेश्चन को सही करने के लिए, लेकिन आपको कितना आता है ये निर्भर करता है आप पर कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओगे या फिर गलत। बताइए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 12/12/2018 को। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी है गर्भाशय ग्रीवा ग्रीवा, ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। मैंने आपको ओवरी के बारे में बताया था कि ये एक जोड़ी होती है भैया, ये एक पेयर में होती है, अर्थात इसकी संख्या दो होती है, और इस अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, और जो टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस होता है नर में यानी कि पुरुषों में, यानी कि जो वर्षण होता है ये भी वन पेयर होता है, ये भी वन पेयर होता है, एक जोड़ी होता है, और इससे निर्माण होता है शुक्राणु का। और जब आप सभी को पता है अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं निषेचन की प्रक्रिया होती है और युग्मनज में जायगोट का निर्माण होता है, या तो आप युग्मनज कह दीजिए या फिर जायगोट कह दीजिए, एक ही बात है। तो युग्मनज में जायगोट का निर्माण होता है, और फिर इस युग्मनज में कोशिका विभाजन की प्रोसेस होती है, एक से दो कोशिका बनती है, ये एक कोशिका वाला है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ,
इस तरीके से फिर भैया इसी युग्मज में जायगोट से जीव का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। वो चीजें आपको अभी यहाँ पढ़नी नहीं है, वो हम प्रजनन तंत्र वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से जीव का निर्माण होता है इस युग्मज में जायगोट से, किस तरीके से शरीर का निर्माण होता है, किस तरीके से बच्चे का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। मैंने आपको बताया था ना कि ओवरी में ही भैया दो हार्मोनों का सिक्रेशन होता है, ओवरी से एक एस्ट्रोजन हार्मोन है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा हार्मोन कहा गया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भाधारण हार्मोन कहा गया था, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के समय निकल रहा था और प्रेगनेंसी में हेल्प भी करता था भैया। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 54 समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, चले क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी में से ही पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्षण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी है भैया एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 22/9/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि आप सभी को पता है वर्षण जो होता है, जो टेस्टिस जो है, ये भैया एक नर लैंगिक जनन ग्रंथि है, नर लैंगिक जनन ग्रंथि है, और ये कौन से हार्मोन का स्राव करती है? टेस्टिस का, जो नर के प्रजनन अंगों की ग्रोथ करवाता है, जो नर के प्रजनन अंगों की ग्रोथ करवाता है। और यह हार्मोन किशोर अवस्था के समय निकलता है, लड़के में किशोर अवस्था के समय जो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं वो इसी हार्मोन के कारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, बाइसेप्स व ट्राइसेप्स का बनना वगैरह, आपको ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 22/9/2018 को। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको पहले ही सिखा चुका, तो भैया अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से संबंधित एक क्वेश्चन ओवर है भैया, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 आपको समझ में आया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 55 आपको समझ में आया। ओके भैया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, चले भैया। ओके देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पर आधारित है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर हार्मोन कहा जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा हार्मोन कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि एक नर सेक्स हार्मोन है, .. में संश्लेषित होता है। किसमें संश्लेषित होता है? ऑप्शन नंबर ए है अंडकोश की थैली में, ऑप्शन नंबर बी है वर्षण में, ऑप्शन नंबर सी है सेमिनल वेसिकल में, ऑप्शन नंबर डी है प्रोस्टेट ग्रंथि में, और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 25/9/2018 को। बताइए जी, बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षण। दो ही चीज याद रखनी है नर में, तो आपको याद रखना है भैया वर्षण, क्या याद करना है? वर्षण। और इस वर्षण से, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिस, इससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और मादा में क्या याद रखना है? मादा में याद रखना है ओवरी, यानी कि अंडाशय। और इससे दो हार्मोन निकलता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, ये नर हार्मोन है, ये मादा हार्मोन है, वो प्रेगनेंसी हार्मोन है।
ये क्या करता है, नर के जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, मादा के जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, और ये गर्भाधारण में सहायक होता है। गर्भाधारण यानी कि प्रेगनेंसी के समय निकलता है, प्रेगनेंसी में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, वर्षण हार्मोन। अरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देखते ही ये याद आ जाना चाहिए भैया, वर्षण हार्मोन। फिर एग्जामिनर की लैंग्वेज कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमने जो पढ़ा है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही होना चाहिए। एग्जामिनर क्या पूछता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा पूछ ये देख लीजिए कि भाई एग्जामिनर वास्तविकता में पूछना क्या चाह रहा है। उसकी लैंग्वेज कैसी भी हो, लैंग्वेज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पूछना क्या चाह रहा है ये समझ लीजिए बस आप। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक 56 तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए गाइज। इससे पहले कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं बाकी के, यानी कि आज की क्लास से पहले के जो आपको 52 क्वेश्चन करवाए थे आज से पहले, आज 53 से स्टार्ट किया है, और अगर आपने विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए हैं, इसके अलावा विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए हैं, या फिर ह्यूमन डिसीज मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए भैया। ये सब मैंने चैप्टर आपको करवा रखे हैं, तो आप चैप्टर भी पढ़ सकते हो। मैंने बायोलॉजी के लगभग लगभग सभी चैप्टर आपको करवा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए चेकआउट करिए। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मैं अलग अलग टॉपिकों पर नई नई चीज़ों पर आपके साथ वीडियो लाता रहता हूँ। याद रहे मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना है, अभी मैं फिलहाल विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है नया लेटेस्ट तो जाकर पढ़ लेना भैया। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना क्या है, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 100-200 नहीं, पहले देते थे 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले 100-200-300-400-500, लेकिन अब आप सभी का प्यार है इसलिए अब 1000-2000-3000-4000-5000 स्टूडेंट रोज हमारे क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर हर रोज आप भी इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे आपको आपके एग्जाम हॉल में फायदा मिलने वाला है। अब सुबह 6 बजे जो मैं पोस्ट डालता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें तो मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन डालता हूँ, और शाम को जो क्वेश्चन डालता हूँ उसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन डालता हूँ। तो साथ ही साथ में आपकी बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों चल रही है क्वेश्चन में। वैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो भैया आप फिजिक्स के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर भी आपकी पकड़ बन सकती है अगर आप हर रोज आंसर देते हो तो। देते हैं 2000-4000 स्टूडेंट रोज देते हैं, आप भी दीजिए भैया, फायदा तो आपको भी मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, इसलिए कहता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस भी भाई ने या बहन ने नहीं किया है जरूर कर लेना भैया। चले ओके, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है ... एंजाइम नहीं है, यानी कि सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है। ये आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी है भैया लाइपेज। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 31/10/2018 को, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अरे भाई इंसुलिन तो एक बहुत ही फेमस हार्मोन है, आज के न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा, डोज में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की डोज दी गई थी क्योंकि उसका शुगर बढ़ गया था, लगभग 217 था भैया उसका शुगर बढ़ा हुआ था, इसलिए उसे इंसुलिन की डोज दी गई थी। पढ़ा होगा ना आज का पेपर आपने, पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों के तीनों ही पाचक एंजाइम है, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं भैया ये पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। पाचन तंत्र वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है इन एंजाइमों के बारे में, अलग से क्लास भी ले रखी है, अलग से एक एक एंजाइमों के बारे में भी पढ़ा रखा है, जो जो पाचक एंजाइम है उन सभी एंजाइमों के बारे में मैंने आपको अलग से क्लास में भी पढ़ा रखा है, एक एक एंजाइम के बारे में।
हमारे शरीर में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है, किस तरीके से वसा का पाचन होता है, ये सब चीजें पढ़ा रखी है। इन पे लोगों का, आप सबका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा भी है, अच्छे खासे व्यू भी है। यहाँ तक देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या वसा का पाचन कैसे होता है, इन दो तीन वीडियो है ये, इन पर लगभग 8-8, 10-10 हज़ार व्यू है भैया, तो अच्छा खासा रेस्पॉन्स है, लोगों ने पसंद भी किया है, जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चैनल पर मोस्ट व्यू में जाओगे तो ऊपर ऊपर आपको एक क्लासे मिल जाएगी भैया, तो वहाँ पर सभी एंजाइमों के बारे में बताया गया है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 58, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे चुका भैया, लगभग मैंने 10 से 12 बार ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में करवाया है। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया, और मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ सभी के सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में करवाता हूँ। ये अभी पिछला वाला जो इंसुलिन वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि मैं इंसुलिन के बारे में, इस चैप्टर की शुरुआत ही मैंने इंसुलिन से की थी, तो शुरुआत के 2-4 दिन तो भैया मैंने इंसुलिन के बारे में पढ़ाया था। आप जब भी तो कहता हूँ आप शुरुआत से इन वीडियो को देखिए यार, मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डॉट आवश्यक होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 26/9/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं, याद हो जाना चाहिए भैया। अब तो ऑप्शन नंबर बी आयोडीन होगा। किस तरीके से होता है, तो भैया इस चैप्टर की क्लासेस शुरुआत से देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अब बार बार बताऊं तो भैया कोई फायदा नहीं है इन क्वेश्चनों का, जब तो फिर आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी थी, फिर उसके क्वेश्चन में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था इनके बारे में भी। बार बार लगभग कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर चुके हैं क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। संभावना है कि आगे की जो एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, या फिर कोई आरपीएफ कॉन्स्टेबल एसआई की हो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है भैया। भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन करवाया है सभी क्वेश्चनों के अंदर की जो जानकारी है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से दी हुई है। तो आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 तक, कल हमारा ये 100 में से 100% ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिनमें से 1-2 तो रिपीटेड है भैया, इतनी है, 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कल हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगभग लगभग आपके 4 चैप्टर समाप्त हो गए इस बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बैच में, और सबसे पहले मैं जूलॉजी करवाने वाला हूँ, फिर उसके बाद में बोटनी, तो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।